एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिस्मा। आप सबका बहुत ही ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई तालिबान के अंडर जो है ना अफगानिस्तान कितना ज्यादा सेफ है, क्योंकि हमने तो सुना भाई तालिबान ने तो तहलका मचा दिया था, तालिबान ने लोगों का जीना हराम कर दिया था, ये वो। लेकिन आज इंडियन लड़की का ब्लॉग हम देखेंगे कि उन लोगों में बताएंगे कि भाई क्या जो सोशल मीडिया में बताती है, जो हमारी मीडिया बताती है, वैसा ही है या उससे हकीकत कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखेंगे, मजा आएगा वीडियो के एंड तक देखना, चैनल को करना सब्सक्राइब। देखते हैं आज नमस्ते सत श्री अकाल सलाम, स्वागत है आप लोग का नवी वीडियो में। ये वीडियो जनाब बन रही है काबुल से अफ़गानिस्तान। तो ये मेरा आज दूसरा दिन है काबुल में, और आज की वीडियो यार इस बारे में होगी कि मैं अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ रह रही हूँ, एंड आज काबुल में हम यार गुरुद्वारा विज़िट करने जा रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और अफ़गानिस्तान में यार ये मेरा 5वां या 6वां दिन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। और काबुल की सड़कों के यार कुछ नज़ारे ये हैं, एंड काबुल में थोड़ी है हल्की सी फ्रीडम, लड़कियां ज़्यादा दिख रही थी बाज़ार में कल, एंड अभी भी अगर आज बाज़ार की तरफ चलते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाज़ार के नज़ारे। तो चलिए यार ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा घर में मैंने सुबह फिल्म करा, ब्रेड मेकिंग वगैरह का सीन, वो आप लोगों को दिखाती हूँ, और फिर गुरुद्वारे तक पहुँचते हैं। तो भाई ये देखिए घर पे अफ़गानिस्तान में नान ब्रेड ऐसे बनाते हैं, और ये तंदूर है सामने, लेकिन थोड़ा मॉडर्न ज़माने का तंदूर है, गैस से चलता है ये। और मैदा भाई है अब थोड़ी देर में यार बन के आ जाएगा। तो ये घर में ट्रेडिशनल ऐसे ब्रेड बनाते हैं, और तंदूर में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ है यहाँ पे। ये देखिए गैस से चलता है, गैस में तंदूर चल रहा है। और इस तरफ देखिए पुराने ज़माने का ट्रेडिशनल तंदूर भी है ये रहा। तो यहाँ पे आंटी बनाते होंगे। तंदूर या ये देखिए ये ट्रेडिशनल वाला भाई। ओके आंटी फारसी बोलते हैं, बिल्कुल एक वर्ड इंग्लिश का नहीं, तो मैं आपकी बात नहीं करवा सकती हूँ, पूरा फारसी दारी यही भाषा में बात करते हैं। तो ये देखिए जनाब यार ब्रेड बन के आ गया बिल्कुल। ओके फाइनली टैक्सी में हम टैक्सी मिले हैं, और अब जा रहे हैं कारते परवान, वहाँ पे गुरुद्वारा है जिसको ऑनलाइन तो कारते परवान गुरुद्वारा ही बोला जा रहा है, बट वहाँ चल के देखती हूँ मैं, और आज दर्शन करेंगे भाई चल के, जो अटैक हुआ था यार गुरुद्वारा साहिब पे, उसके बाद अभी क्या प्रोग्रेस है, कितने लोग हैं मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैंने यूट्यूब पे नहीं सर्च करा, बट चल के देखते हैं। तो यार हमने बाज़ार आ रखे हैं, एंड मैं आपको यहाँ पे दुकान दिखाती हूँ। तो लड़कियों के भाई इस टाइप के कपड़े यहाँ पे बिकते हैं, जीन्स भी बिकती हैं भाई, तालिबान ने अभी तक बंद नहीं करी पूरी 100%। तो जीन्स भी हैं यहाँ पे, और आप लोग देखें इंडिया स्टाइल के सूट भी हैं, ऐसे सूट भी पहनते हैं यार अफ़ग़ानिस्तान में, पाकिस्तानी पंजाबी टाइप के सूट हैं ये। सही, तो ऐसे कपड़े हैं भाई, और ऊपर जो अबाया पहनते हैं ना वो इस तरफ है। ये रहा अबाया, तो तो
स्क्वायर पहुँचे हैं गुरुद्वारे के सामने एंड चलते हैं। तो जो मेरी अमेरिकन दोस्त है वो वहाँ तालिबान वाले बैठे हुए थे, मेरे को रोक के बोलते कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा इस तरफ जा रही हूँ, तो कहते हिंदुस्तान से आई हूँ, मैंने कहा हाँ। शायद यार ये गेट है गुरुद्वारा साहिब का, बड़ी सिक्योरिटी हो रखी है यार। तो यार जो आप लोगों को सामने ये दीवार दिख रही है ना, ये दरबार साहिब की सिक्योरिटी के लिए बनाई हुई है जब से अटैक हुए उसके बाद से। तो इधर उन्होंने मुझे इस दुकान में भेजा था परमिशन लेने के लिए, तो सरदार जी की दुकान है यार इधर, बट अभी वो है नहीं, तो परमिशन यार हमें नहीं मिल पाई। और जब से अटैक हुआ ना, परमिशन के बिना किसी को गुरुद्वारे में एंट्री नहीं है, तो यार दर्शन भी नहीं हो पाए। बट खंडहार में देखती हूँ यार मैं, अगर गुरुद्वारे की तरफ जा पाए, तो काबुल में तो यार नहीं जा पाए। अब यार एक ये रोड क्रॉस करना बहुत बड़ा झंझट है, बट देखते हैं भाई रोड क्रॉस करनी पड़ती है। तो ये देखिए यार, अब ये गुरुद्वारा साहिब है, ऊपर उधर निशान साहिब है एंड पूरी सिक्योरिटी हो रखी है इधर, मतलब दर्शन भी नहीं कर सकते यार आप बिना परमिशन के, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है जब से अटैक हुआ है उसके बाद से। तो ये सीन है, चलते हैं वापस। और इधर तालिबान की गाड़ी है जनाब, बहुत सारे तालिबानी बैठे हुए हैं, मेरे से पूछते कहाँ जा रही हो, मैंने कहा गुरुद्वारा, कहते हिंदुस्तान से आई हो, मैंने कहा हाँ हिंदुस्तान से आई हो, कहते अच्छा जाओ। तो ये सीन हुआ था, ये दो गाड़ियाँ हैं भाई, एक भी नहीं। यार अब वापस जा रहे हैं, तो मैंगो शेक ऑर्डर करा है हमने एंड काबुल में यार बड़ा मस्त मैंगो शेक बनता है, इसके अंदर खजूर भी डाले हुए हैं, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना ये खजूर है। और ये सिर्फ 100 रुपए का, इंडिया के 110 हो गए। घर की तरफ पहुंचे हैं और ये बाजार है उस साइड का। तो काबुल में आपको हर इलाके में यार बाजार अड्डा मिलेगा जहाँ पे आपको सारी चीजें आप लोग खरीद सकते हैं, तो ये सिस्टम एक अच्छा है भाई। और ये फ्रेश जूस बन रहा है इधर यार, बट दर्शन नहीं हो पाए आज गुरुद्वारे में, बड़ा मतलब कितना मैं दिल से गई थी यार कि चलो आज गुरुद्वारे चलते हैं, बट जा ही नहीं पाए। अरे यार ये बड़ी मस्त कालीन वगैरह की दुकान है, ओल्ड फैशन। और काबुल में यार मैं शौक हूँ, थोड़ी सी फ्रीडम है, लड़कियों के थोड़े थोड़े बाल भी दिखते हैं, आप लोग सामने देखिएगा, क्योंकि गांव की तरफ यार ऐसा नहीं था बिल्कुल भाई, किसी का एक बाल नहीं दिख रहा था सर पे, तो बहुत मतलब काबुल आके मेरे को एकदम से यार कॉन्ट्रास्ट दिखा है ये यहाँ पे। इधर से हेरात कंदार निगो भाई, सुप्रभात। तीसरा दिन है काबुल में और कल तो तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा कुछ मैंने अजीब तो खाना नहीं खाया था, बट कल तबीयत खराब थी, आज आलसपन है बहुत ज़्यादा, बट सफ़र कंटिन्यू करना है हमें क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये वही वीडियो है यार गुरुद्वारे वाली, गुरुद्वारा तो हम नहीं जा पाए, खंडहार में कोशिश करेंगे जाने की धर्मशाला गुरुद्वारा की तरफ, अगर हुआ तो दर्शन के लिए। एंड अफगान के लोग यार गुरुद्वारे को यहाँ पे धर्मशाला बोलते हैं,
तो एनीवेज अभी मैं बामियान की टैक्सी की तरफ जा रही हूँ और भाई मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, बट कोई नहीं, होपफुली कल तक पूरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी यार रास्ते में फिलहाल तो काबुल यार मैं आई थी स्पेशली गुरुद्वारे, ठीक है, मत्था टेकने के लिए, और वही नहीं हो पाया, तो परमिशन लेनी पड़ेगी जाने के लिए। अगर आप लोग आ रहे हैं तो परमिशन लेना फिर जा सकते हो, अगली बार जाएंगे, चलो कोई नहीं, परमिशन लेके अगली बार ज़्यादा टाइम रुकेंगे और फिर जाएंगे। तो यार ये बस अड्डा है बामियान का, एंड आप लोग किसी भी टैक्सी वाले को बोलना बामियान के अड्डे पे जाना है तो वो आपको ले आएंगे। यहाँ पे ऐसे ही होता है, अगर आपको हेरात जाना है तो हेरात का अड्डा बोलेंगे, तो उस तरीके से आपको बस स्टैंड मिलेंगे अफगानिस्तान में। तो ये भाई अड्डा इधर, और आई थिंक यार काबुल का सफ़र फ़िलहाल ख़त्म हुआ, अगर दोबारा वापस आना पड़ा तो पता नहीं, बट फिलहाल इतना ही सफ़र था। ये वीडियो यार यहीं ख़त्म करते हैं, और अपनी गाड़ी ये वाली है तो बामियान चलते हैं टूरिस्ट एरिया घूमने के लिए। इसका पे करना है 400 किराया है काबुल से बामियान तक का। तो ये सीन होने वाला है, आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं। भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट भी कर देना। आई नो ये वाली वीडियो थोड़ी बोरिंग हुई होगी क्योंकि कुछ भी सही नहीं गया इस वीडियो में, बट यही सीन था भाई काबुल में, और आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं। गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई मतलब कि जैसे हमारे पाकिस्तान में भी ना, इंडिया में भी हम देखते हैं कि भाई जो हमारे विलेज एरिया होते हैं ना, वहाँ पे हम देखते हैं लड़कियाँ जो होती हैं ना वो दुपट्टा लेती हैं, मतलब इस तरह से सिस्टम सारा ना होता है। लेकिन जब हम उधर तो होता है ना बहुत अफगानिस्तान में, क्योंकि अम्मी वो तालिबान के अंडर है तो वो एक इस्लामिक रूल के मुताबिक जो है ना वो वैसा रूल को फॉलो करते हैं। तो अफगानिस्तान में आप विलेज में चले जाए ना तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे लेडीज ने ना कोई एक भी उनका बाल नजर नहीं आना चाहिए, उन्होंने सारे का सारा अपना डांपा हुआ है अपना, लेडीज को वो फ्रीडम नहीं है ना उनको, उन्होंने ज्यादा भी नहीं दी। उन्होंने अपने मुल्क का एक कानून बनाया हुआ कि यहाँ पे कोई भी लड़की अपना जो है चेहरा या फिर अपने बाल नहीं दिखा सकती। लेकिन काबुल शहर जो उनका है ना वहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत आपको, काबुल हाँ उनका मेन सिटी है तो वहाँ पे जो है ना वो फिर भी थोड़ा फ्रीडम उनको मिलती है। और इसके अलावा जो है लेडीज आपको रोड्स पे मिल भी जाएंगे, वरना तो ये पहला जब इनका ब्लॉग है वहाँ पे तो कोई मैंने लेडी देखी नहीं थी है, हमें कोई लेडी नजर आई थी उस दिन तो कोई नजर ही नहीं थी आई, आज फिर भी नजर आ रही थी। और अफगानिस्तान के लोग यार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, ये बात तो सही बात है, मतलब उनको बताया ना कि क्या अच्छा लगा उनका सब चीज है, सिर्फ एक और दो बाहर नहीं निकलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सब जाए अपना मोजे खेले उधर बच्चे सही भी नजर आ रहा है, वो ही ना उनको फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो भी अपनी खुली आजादी, हो सकता है आने वाले वक्त में उनकी सोच चेंज हो जाए और वो इसमें थोड़ा डिफरेंस लाए, लेकिन फिर भी आपको आपने देखा ही कि थोड़ी बहुत फ्रीडम तो उन्होंने दी हुई है। लेकिन टाइम के साथ साथ वो भी जब आपको समझ में आएगा तो अफगानिस्तान के भी हालात मुझे लगता है काफी ज्यादा बेहतर तो हो चुके हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतरीन होने चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्लॉग लगा, और भाई सेफ है बिल्कुल, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई रोक के तो फाड़ के तंग गए हैं, तो है कुछ भी लिखा उसका, वो अकेली है तो कुछ भी कहा, कोई पूछता है कि भाई कहाँ से है तो वो बता देती है हिंदुस्तान से, तो फिर वो उनको बोलते हैं चले जाए तो साथ होगा ना उसके भी, नहीं कोई भी नहीं है वो कैमरा, वो खुद उन्होंने अभी कैमरा पकड़ा हुआ है, कैमरा खुद पकड़ते हैं तो वो उन्होंने खुद अकेली गई है। तो बहुत ही अच्छा मुझे तो लगा वाली उनको देख करके कि इन्होंने जुर्रत की अफगानिस्तान में अकेले जाने की, वरना हम तो कभी भी डरते रहते जैसे आप सुनते हैं सोशल मीडिया पे। तो ना कुछ और देखना कुछ और, सही बात है। वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में।